एक मिनट में बनने वाला हमारा चोको लावा केक पूरी तरह से रेडी है। देखने से बहुत ही टेस्टी लग रहा है, खाने में भी ये उतना ही टेस्टी होता है, ये देखिए। कविताज मैजिकल किचन में आपका स्वागत। आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन प्रेस करना ना भूलें। लावा केक बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए जो 10 रुपए का ये ओरियो का पैकेट आता है बिस्किट का, हम ये लेंगे। सिर्फ 10 रुपए में हम आज लावा केक रेडी करेंगे और वो भी सिर्फ 2 मिनट के अंदर। इसमें जो भी सारे बिस्किट्स हैं वो हम निकाल लेंगे, एक ग्लास में या कोई भी एक छोटी कटोरी ले लेंगे। इसमें इस तरह से 4 या 5 बिस्किट खाते हैं 10 रुपए के पैकेट में। और हम दूध लेंगे, दूध हमें थोड़ा गर्म ही लेना है और वो दूध हम इसमें डालेंगे धीरे धीरे करके। हल्का गर्म दूध है। इस जो बिस्किट्स हैं हमारे, इनको हमने मिक्सी में पीसना नहीं है, कोई ग्राइंड नहीं करना, कोई इनका पाउडर नहीं बनाना। आज हम बहुत ही आसान तरीके से 2 मिनट में बनने वाला लावा केक रेडी करेंगे और वो भी देखिए आप कितनी जल्दी ये रेडी हो जाएगा। क्योंकि दूध हमारा गर्म है तो बिस्किट्स अभी ये जो दूध है पूरा अच्छे से सोक कर लेंगे, इसलिए हमें इनको ग्राइंड करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये देखिए आप, ये हल्के हल्के से सॉफ्ट होने लगे हैं, थोड़ा थोड़ा करके ही दूध डालेंगे। ये देखिए अच्छे से पेस्ट रेडी है, हमें ऐसा ही पेस्ट चाहिए। ये थोड़ा सा हमारा दूध बच गया है, इसको हम अलग से रख लेंगे और ऐड नहीं करेंगे। ये बेकिंग पाउडर मार्केट से आप लेकर आ सकते हैं, इसमें हम ये मिक्स करेंगे। ये हमें बहुत थोड़ा ही डालना है क्योंकि हम लावा केक बना रहे हैं, केक नहीं बना रहे हैं। तो सिर्फ हमें एक चुटकी भर इसमें मिक्स करना है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये हमारा पेस्ट पूरी तरह से रेडी है। अब हम एक बोल लेंगे। आज जो हम ये लावा केक बना रहे हैं ये हम माइक्रोवेव में बनाएंगे, गैस पर नहीं बनाएंगे, ना ही कोई कढ़ाई, ना ही कोई कुकर में। तो उसके लिए हम माइक्रोवेव में बनाएंगे जो कि सिर्फ 1 मिनट में बन जाएगा। और आप देखिएगा कितनी जल्दी बनता है ये और एकदम झटपट से रेडी हो जाता है। इसके लिए मैंने लिया है माइक्रोवेव में, जो भी बर्तन आप यूज़ करते हैं वो ले सकते हैं। ये मैंने कांच का बोल लिया है और इसमें हम हल्का सा ऑयल लगा लेंगे इस तरह से, जिससे अच्छे से हमारा जो लावा केक है वो इसमें चिपकेगा नहीं साइड से। और ये जो हमारा पेस्ट रेडी है ये हम इसमें डालेंगे। जैसा कि चॉकलेट लावा केक हम बना रहे हैं तो ये मैंने कैडबरी की 2 चॉकलेट्स ली हैं, इसको हम इस तरह से इसमें ऊपर डाल देंगे। और थोड़ा सा पेस्ट बचा लिया है वो उसको हम ऊपर से इस तरह से कवर कर देंगे, इस तरह से हम रख देंगे और इसको 1 मिनट के लिए साइड करके छोड़ देंगे। चलिए 1 मिनट हो गया है, अब माइक्रोवेव बंद कर देते हैं और एक बार इसको देख लेते हैं। इसको सावधानी से निकालेंगे क्योंकि ये गर्म है और हमारा चोको लावा केक पूरी तरह से रेडी है। ये देखिए बहुत बढ़िया, ये देखिए हमारा चॉकलेट लावा केक पूरी तरह से रेडी है, कितना सॉफ्ट बना है। इसको और टेम्पटिंग बनाने के लिए हम चॉकलेट सिरप से इसको डेकोरेट कर देते हैं, सिर्फ 10 रुपए के पैकेट से। ये देखिए हमारा लावा केक बहुत ही आसान तरीके से हमने रेडी किया है।